मानसून का सत्र जारी है, ऐसे में डेंगू मलेरिया एवं चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर घर पे कार्यालयों के आसपास जमा हो जाते हैं जो साफ पानी में पैदा होते हैं। ऐसे में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपको बता दें कि जनता की जागरूकता के लिए दिल्ली दक्षिण नगर निगम ने जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया है मच्छरों से बचने का उपाय। तो क्या है वो उपाय, हम आपको बताते हैं। पहला उपाय में है कि कूलरों को सप्ताह में एक बार खाली करें तथा रगड़ रगड़ कर साफ करें, या एक चम्मच टैमीफास दवाई या डीजल अथवा पेट्रोल डालें ताकि मच्छर पनपने ना पाए। वहीं दूसरा उपाय है कि चिड़ियों को पानी पिलाने वाले बर्तन को नियमित साफ करें और दोबारा पानी भरें। इसमें तीसरा उपाय है कि पानी की टंकी व हौदी पर ढक्कन ठीक से लगाएं। पानी की टंकी के ओवरफ्लो पाइप तथा हवा निकासी पाइप को जाली पर लगाकर रखें। चौथा उपाय है गमलों, फ्रिज की डिफ्रॉस्ट ट्रे, मनी प्लांट व फैग स्वी के पौधों आदि का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलें। पांचवा उपाय है पुराने डिब्बे, टायर, टूटे गमले व कबाड़ आदि जिनमें बरसात का पानी रुक सकता हो खुले में न रखें। छठवां उपाय है कि निर्माण स्थलों पर मच्छरों की उत्पत्ति रोकने की जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की है, वो इस बात का खास ध्यान रखे। वहीं उन्होंने डेंगू मलेरिया एवं चिकनगुनिया से बचाव के उपाय व निवारण संबंधी किसी भी जानकारी के लिए नंबर दिया है टोल फ्री का। क्या क्या नंबर है वो भी हम आपको बताते हैं। पहले आप टोल फ्री नंबर लिख लें जिसमें 1800112260। ये तीन टोल फ्री नंबर हैं जिनमें आप किसी से भी बात कर सकते हैं। अब नंबर क्या है मध्य क्षेत्र का, 2981270, दक्षिण क्षेत्र का 2651718, नजफगढ़ क्षेत्र का 2532123, पश्चिमी क्षेत्र का नंबर है 2542270। तो इन नंबरों पर भी आपको अगर कोई समस्या है तो जानकारी ले सकते हैं। क्यूरियन हेल्थ टैक्स की रिपोर्ट।